आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर टेस्ट स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक। बात करेंगे हम आज पाकिस्तान को अपना तीसरा मैच इस वर्ल्ड कप का खेलना है कनाडा के खिलाफ उसके बारे में, लेकिन उसके अलावा बहुत सी खबरें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खराब परफॉर्मेंस, जो ज़राए से खबरें आ रही हैं कि ग्रुप्स बन गए हैं, और जो हमारे चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब की थी तो उन्होंने कहा था कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। तो इन तमाम जो टॉपिक्स हैं उस पर बात करने के लिए बढ़ते हैं जी हम अपने गेस्ट की तरफ। सलीम भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। सलीम भाई, एक खबर है कि वहाब रियाज का बचना मुश्किल, बाबर की कप्तानी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है और टीम में ग्रुपिंग का इंकशाफ है। ये बहुत हिला देने वाली खबरें हैं। ये अभी तक हिला देने वाली खबरें हैं। परफॉर्मेंस से तो वैसे ही हिल गए हम। ये आपने पहली दफा सुना है? नहीं, लेकिन बार बार सुन के फिर लगता है कि यार अभी तक वही है, अभी तक। मतलब आपकी कोशिश है कि ये लोग रहने चाहिए? मेरी कोई कोशिश नहीं है। नहीं, चलो सिंपथीज होती है ना, आपका दिल का क्या रहा है कि पिछले मुझे नहीं लगता किसी की पिछली चार सीरीज पूरा खेलने के बाद भी आप चाहती हैं वहाब रियाज उधर ही रहे? मुझे तो ये और नहीं पता कि वहाब रियाज फ्रॉम द स्टार्ट हैं क्यों वहाँ। ये बात की ना आपने जो असल करने वाली बात है। देखें, इस चार सीरीज से उस बंदे की टीम बुरी परफॉर्म कर रही है, और जो चलो बाकी टीमों को मैं बात नहीं करता, इस टीम की जो सिलेक्शन हुई है सबसे बुरी सिलेक्शन इस टीम की हुई है कि आपकी कोई टीम का कम्बिनेशन ही नहीं था। हम पहले दिन से मैं और इंजी कह रहे थे कि कोई कम्बिनेशन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अभी भी अगर आप ये नहीं कहता, हम ये कह रहे थे कि हमें सिलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। वही ना इंजी, मतलब कम्बिनेशन, जब सिलेक्शन जब भी होती है ना, कोई कम्बिनेशन के साथ आप आते हो, तो आपने कोई कम्बिनेशन रखा ही नहीं। फिर उसके बाद हम ये कहें कि बड़ा सर्जरी होएगी, तो अभी भी ये अगर वहाँ रहेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ा हमारे बोर्ड का। देखें इन लोगों को, इसको स्पेशली सिलेक्शन कमेटी जो है, ये मेरे ख्याल जो कहते हैं ना इनाफ इज़ इनाफ, कि इनको देख लिया इन्होंने, और जो इन्होंने जितनी बुरी सिलेक्शन कर सकते थे पाकिस्तान टीम के साथ, इससे बुरा नहीं कर सकता कोई भी सिलेक्टर आप लगा दें। एक आप आम क्रिकेटर भी लगा देंगे ना, वो एटलीस्ट उसको पता होगा कि मैंने 5 ओपनर सेलेक्ट नहीं करने, मैंने कम्बिनेशन उसमें मिडल ऑर्डर में कोई 2-3 ऐसे बंदे रखने हैं कि अगर कोई फ्लॉप हो तो उसकी जगह ये फलां बंदा खेलेगा। आप 2 बंदे सेलेक्ट करके नहीं लेके जाएंगे कि सिर्फ 2 ही खेलेंगे। ये कोई आम बंदा भी, यार हम क्लब क्रिकेट में भी अगर आप सिलेक्शन करते हो या तो आप इस किस्म की चीज़ें देखते हो कि यार मेरे पीछे कौन सा प्लेयर है जो अगर ये नहीं चले, आपने कोई रखा ही नहीं हुआ उसके बावजूद। अगर आप देखें, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मगर जो हुआ है वो हम बता रहे हैं। अच्छा, खबर बड़ी मज़े की है सलीम भाई। ये तो खबर है कि वहाब रियाज का अपनी जगह पे रहना मुश्किल है, गैरी क्रिस्टन के बारे में भी खबरें आ रही हैं, लेकिन खैर वो तो अभी उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, उनकी आप क्या ही परफॉर्मेंस इस 2-3 मैचेस में क्या जज कर पाएंगे। लेकिन जराए का ये भी कहना है कि ये जो तब्दीलियां होनी हैं उन पर रिपोर्ट्स जो है वो चाहिए है बाबर आजम की, गैरी क्रिस्टन की, और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये तो इंजी वही बात होगी, कोई हमारे मुल्क में कोई वाकया होता ना तो इसकी इंक्वायरी बिठा देते हैं, और इंक्वायरी करने वाले भी वही होते हैं जिन्होंने किया होता है। जिन पे इल्जाम है वो खुद इंक्वायरी करेंगे। वो पहले ना 2007 का वर्ल्ड कप हार के आई ना जी, तो एक किस्सा वैसे ही दिल कर रहा है जरा सुनाने। नहीं, आज सुनाना चाहिए। तो मैं कप्तान था, मेरे पे इंक्वायरी बैठ गई, तो मेरे से इंक्वायरी वो बोर्ड के एम्प्लॉयज ही बैठे थे, तो चेयरमैन ने कहा कि नहीं नहीं, इंजमाम से जो इंक्वायरी ना मैं खुद करूँगा। मैंने कहा कि जी ठीक है, क्योंकि जी आप करें। तो इजाज़ साहब हैं, वो इजाज़ भट्ट साहब हैं, वो अपने उसमें चले गए इस दुनिया से, अल्लाह उनकी मगफरत करे, दर्जात बुलंद करे, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे बहुत। तो मैं उनके ऑफिस चला गया, सर्विसेज में उनके ऑफिस में मीटिंग थी, क्योंकि यहाँ प्रेस बहुत था, बहुत तंग था बिल्कुल। तो मैं उनके जाके ऑफिस में जाके ना बैठा, तो उनका मुझे बेटा मिलने आया, कह रहे कि इंजमाम भाई मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, और ये और वो फलाना ढिमका जी। मैं मिलता रहा, खैर क्योंकि जी जिसने ऑटोग्राफ ये वो फलाना। तो इजाज़ भट्ट साहब आ गए,
अब वो हमारी मीटिंग शुरू हो गई, तीन और लोग थे, तो उन्होंने कहा कि जी हमें ये पता चला कि जी आप दाढ़ी भी रखवा देते थे ज़बरदस्ती, ये वो फलाना ढिमका। मैंने कहा ठीक है, मैं सुनता रहा। मैं इजाज़ भट्ट साहब से पूछा, मैंने कहा इजाज़ भट्ट साहब ये आपका बेटा आया था अभी, ये अकेला बेटा है आपका? कह रहे कि मेरा एक ही बेटा ही आला। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि ये आप है ना, आपने इसको सर्विसेज की पूरी इंडस्ट्री दी है, एक ही बेटा सारी इसकी है, दामाद है, दामाद है जो भी है। मैंने कहा इससे कहो दाढ़ी रखे। कह रहे नहीं ये दाढ़ी नहीं रखेगा मेरे कहने पे। मैंने कहा कि यार मैं तो किसी को अगर कोई मैच खिलाने के चक्कर में आप कह रहे हो कि दाढ़ी रखवा देता हूँ मैं, ये कर देता हूँ, आप पूरी सर्विस इंडस्ट्री दे रहे हैं तो उसको कह रहे हैं कि जी ये दाढ़ी नहीं रखेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी इंक्वायरी भी इनकी अपनी होती है, हर चीज़ इनकी अपनी होती है, इनकी मर्ज़ी की होती है कि जी है भी इनके ख़िलाफ़ कि जी अगर वहाब रियाज के और बाबर के हैं और रिपोर्ट भी यही देंगे, ठीक है, सुनने वाले भी बोर्ड वाले होंगे जिन्होंने इनको लगाया है। सो मैंने कहा इंसाफ कहाँ से आएगा, कहाँ से आप देखोगे? आप ये ज़रा इंक्वायरी किसी टाइम है ना, किसी टाइम इंक्वायरी जो वो मेरे पे अभी भी एक इंक्वायरी बैठी है, जिससे मेरे चीफ सेक्रेटरी था ना उसमें उन्होंने कहा था कि जी आपकी इंक्वायरी होगी कि जी सारी होगी। मैंने कहा अच्छा, वो भी जितने भी इंक्वायरी वाले जितने भी अनाउंस हुए थे ना वो भी सारे पीसीबी के एम्प्लॉई हैं। अब मैंने कहा कि ये पीसीबी के खिलाफ तो रहे भी नहीं है उसमें, आई थिंक जो एम्प्लॉई रहे हाँ। भी नहीं है, कुछ है भी नहीं, तो मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ 6 महीने से कि जी वो इंक्वायरी हो। मेरे तो वकील ने ईमेल भी भेजी थी पीसीबी को तो उसने नहीं की। तो वो मैंने कहा कि जी अभी तक बैठे हैं हम उसी तरह ही, ठीक है। तो याली भी इंक्वायरी आपने पहले यंगस्टर्स को देखेंगे, 1 महीने पहले तक आपने रिटायर प्लेयरों को वापसी ले आए थे जी, ठीक है। अब आप कह रहे हो आप यंगस्टर्स देखेंगे, मेरा मतलब है कि कहीं कोई स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। अगर आपको 1 माह में वैसे ये यंगस्टर कहाँ से आ जाएंगे? मैं तो 1 माह पहले इनको यंगस्टर कोई भी नजर नहीं आया। अच्छा वो जो दो अच्छा सोर्सेज की ये भी रिपोर्ट है कि वो जो दो रिटायर्ड प्लेयर्स को लाया गया ना उनको वापस कर दिया जाएगा जहाँ से वो आए हैं, वहीं जहाँ से उनको लाया गया। देखिए एक दर खुला तो क्या कहते हैं, एक दर बंद तो 100 दर खुला, तो वापस टीवी पे आ जाएंगे उसमें क्या? नहीं तो इतना चलता है काम। इंक्वायरी तो ये होनी चाहिए कि इनको लेके कौन आया है, होनी तो ये चाहिए ना। वो तो नहीं होगी, वो खुद तो नहीं आए। हाँ वो खुद तो नहीं आए। आप मुझे अगर कहेंगे पाकिस्तान के लिए खेलो या एनजी को कहेंगे हम क्यों रिफ्यूज करेंगे अभी भी? मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। चले मैं आपकी कह दे तो आप हमसे बहुत यंग हैं, छोटी हैं बहुत। नहीं मुझे तो अगर आपको लड़कियों की सिलेक्शन में आपको बुलाया जाए तो आप क्यों इनकार करेंगे? मैं मीडिया डिपार्टमेंट में जाना चाहूँगी, मैं सिलेक्शन में जो मेरा काम नहीं है मैं वो कभी करना नहीं चाहूँगी। तो फिर तो वही सिलेक्शन ही करोगी ना मीडिया डिपार्टमेंट में जाके। आप क्या कह रहे हैं कि ये कान इधर से पकड़ लो उधर से। भाई की बात सही है, ये मीडिया का प्रेशर आता है तो सिलेक्शन होती है। नहीं ये मीडिया का प्रेशर नहीं था, ये बड़ा मीडिया का प्रेशर नहीं, ये दोस्ती थी, ये दोस्ती थी, ये दोस्ती थी, दोस्ती। हाँ नहीं वो तो मुझे पता है आमिर और इमाद के लिए कोई मीडिया जो है वो बात नहीं करेगा, लेकिन दोस्ती किसकी थी? इमाद और बाबर की तो नहीं थी। अगर इमाद जो है वो एक चैनल पर बैठ के ये कह रहा है कि बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए और आमिर जो है वो ये कह रहा है दूसरे चैनल पर बैठ के कि जी हम तो आउट ही नहीं करते बाबर को जब मैं कराची किंग्स की तरफ से खेल रहा होता हूँ कि ये है तो स्कोर नहीं बढ़ेगा, तो बाबर की तो नहीं थी फिर दोस्ती। PSL में किसने रिप्लेस किया था बाबर की जगह कप्तानी का? ये इधर पेशावर में किसका रफड़ पड़ा था? भाई आप वापस जाएं ना, आपको समझ आ जाएगी फिर। मेरा मतलब सारे पाकिस्तान को पता है आपको नहीं पता। कराची में जिस टाइम बाबर कप्तान बना था तो भाबरियाज हटा था, ये इमाद वसीम हटा था। पेशावर में जिस टाइम किए थे तो वहाब। तो वहाब सही है, ठीक है जी पहुंच गए हम। अच्छा एक और खबर है आज और वो ये है कि वर्ल्ड कप के बाद आजम खान, इन दोनों की तो हमने बात कर ली आमिर और इमाद की, आजम खान और उस्मान खान की भी छुट्टी होने के चांसेस हैं। ये तो मैं आज से साल पहले जब वो ये पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा था मैंने कहा था बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। इसलिए देखें हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान खेले, जो पाकिस्तानी है उसका दिल करता है। जब आपको यहाँ जब आजम खान की बात करें, उस्मान की बात करें, उस्मान की बात, उस्मान ने एक साल पहले मना किया था, अब वो इस साल उसको कुछ हुआ है अचानक से, उसने कहा मैं खेलूंगा पाकिस्तान की तरफ से। जी वो देखिए वही मैंने कहा ना कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है क्योंकि वो पाकिस्तानी है, उसका दिल था कि पाकिस्तान ने जब उसको निकाल दिया यहाँ से कहीं फर्स्ट क्लास वहाँ से किसी जगह नहीं खेलने दिया,
वो जाके यूएई में खेला, उसका वहाँ कैरियर था, वहाँ उसको शायद वो जहाँ जब कोई एक ही प्लेयर हो ना, जैसे हमारे यहाँ बाबर है तो हम सब बाबर की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ कोई ऐसा प्लेयर और है नहीं जिसकी हम बात करें, तो ये सुमान वहाँ वो था। मैंने उस वक्त भी कहा था ये पाकिस्तान आ गया ना खेलने, ये रुल जाएगा, अब रुल गया ना, इस सीरीज के बाद वो क्या करेगा, अब जाके गुजरा वाला कोई काम ही करेगा ना, वहाँ तो उसको अच्छी खासी उसकी सैलरी थी, हर चीज़ मिली थी। और जहाँ तक आज़म का ताल्लुक है ना, आज़म को मैंने कहा था आपको उसको कप्तान बना देना चाहिए, ये आज एक आध सीरीज के बाद वो फिर वापस आएगा, जिसको इन्होंने पता नहीं कई सालों से खिला रहे थे, ये बहुत सारे लोग फिर वापस वही ले आएंगे, ऐसे इंक्वायरी कह रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, इंक्वायरी होगी, वो होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे ना उस्मान की परफॉर्मेंस चाहे जितनी भी बुरी रही हो, पर मुझे पर्सनली उसके लिए बुरा लग रहा है कि एक बंदे ने दुबई यूएई की क्रिकेट काउंसिल से कहा मुझे नहीं खेलना आपके साथ, 5 साल का बैन लग गया वहाँ पे, और पाकिस्तान वालों ने आपको 5 सीरीज नहीं खिलानी, 5 साल का बैन लगवा लिया आपने। ये अब वो असल में पाकिस्तानी था, उसको पाकिस्तान का नहीं पता था, मसला सारा ये कि डिसीजन तो उसका अपना था। हाँ जी, और पाकिस्तान ने तो उसको 10 मौके दिए, तो वो खुशकिस्मत है कि 10 मौके तो मिले। यहाँ तो लोग रात को टीम बना रहे होते हैं तो सुबह पता चलता है कि जी वो खुद ही वही बाहर है, तो यहाँ तो ये सूरत हाल है, तू वहाँ से सारी चीजें छोड़ के तो पाकिस्तान कोई, आ गया। उसका बाप या कोई और क्रिकेट बोर्ड में भी नहीं है। हाँ जी, ना खेला हुआ है। चलो आज़म के लिए ये तो खतरे की बात नहीं ना, कोई तो है। ये आप कह रही हैं, मैं तो वैसे एक जनरल बात की है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अच्छा जी, एक और बड़ी मजे की चीज है जी, और वो ये है कि उमर अकमल ने एक ट्वीट किया है, अगर हम दिखा सके तो, उन्होंने अपनी पीठ की है विद 6 पैक्स और उन्होंने लिखा है कि ये उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि मैं फिट नहीं हूं, वो देख लें आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। क्या बात है, 6 पैक्स, तो 6 पैक्स के बाद उनको लग रहा है कि वो टीम में आ सकते हैं, तो ये किसी बीच पे कॉम्बिनेशन ये मैचेस होने हैं जाके बीच बॉडी बना लिए ये तो, नहीं, नहीं, ये तो ठीक है, अगर ये उमर का दिल है पाकिस्तान खेलने को, हाँ जी, और वो मेहनत करके उसने अपने आप को फिट किया है, हाँ जी, तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जी जरूर करना चाहिए जिसका भी दिल कर, अब बिल फर्ज के मेरा भी दिल, अब मैं, अब आप सोचो कि मेरा दिल कर रहा है कम बैक करने को, अब मैं सारों से पहले अपने आप को फिट किया, फिर क्या करूँ, फिर आप जाएं वापस डोमेस्टिक, फिर आप परफॉर्मेंस करें। एग्जैक्टली, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आपने फिट किया, आप डोमेस्टिक खेल लें, आप उधर से परफॉर्मेंस दें, तो आपको एक जरूर कंसीडर किया जाएगा। ये जो ये असल में ये जिस तरह ये उमर अकमल की वाली चीज़ कह रहे हैं ना, ये आपने अभी किया है ना, तो सारे प्लेयर्स को ना आप ये वाली होप दे देते हो कि जी वो हर चीज़ को बाईपास करके ना सीधा पाकिस्तान टीम में घुस जाए, क्योंकि जी ना फर्स्ट क्लास खेले। आपने उस्मान की जिक्र किया था ना, उस्मान को आप पाकिस्तान खिलाना चाहते थे जी। आपने उसको PSL, उसने वो आया खेल ले एज ए ओवरसीज प्लेयर, लोकल तो नहीं खेला वो ना, ओवरसीज प्लेयर आया उसको खेला, आपने पाकिस्तान खिला दिया, ना कोई टूर्नामेंट खिलाया ना कोई चीज़ खिलाया, तो फिर ये उमर अकमल वगैरह भी तवक्को करते हैं, इनकी तवक्कोत भी फिर गलत नहीं है, वो भी कहते हैं कि जी हमें भी फिर डायरेक्ट खिलाओ। आप भाई आप ये बताएं कि सलीम भाई काउंटी खेलते रहे हैं, कि कोई जो वो बैट्समैन था, क्या नाम है, बड़ा मशहूर जो काउंटी में बड़े स्कोर करता था, सच राइट हैंड बैट्समैन था, इसको नेशनलिटी दे दी थी, नेशनलिटी 5 साल उसने ना उनके लिए काउंटी खेल ली है, 5 साल के बाद नेशनलिटी मिलके वो खेल रहा है। हम तो एक चीज फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खिला रहे, अपने आप को इतना सस्ता ना करें हम लोग, आपने इतना आसान कर दिया, ठीक है ना, ये क्या है, ये क्या चीज है कि जी आप अपने आप को इतना आसान कर रहे हो, सस्ता कर रहे हो, क्योंकि जी हर एक आप किसी को भी, कोई भी लड़का है, कोई भी है, क्योंकि जिस तरह इमाद वसीम और आमिर थे, क्योंकि जी अगर इन्होंने रिटायरमेंट वापसी ली थी, अगर ये खेलना चाह रहे थे, PSL को छोड़े आप एक तरफ, उनसे कहेंगे जाके लो जी अपना खेल लो, जरा कोई लोकल टूर्नामेंट खेल लो, ये PSL लोकल टूर्नामेंट नहीं है हमारा। वो इमाद, ये जो बात करें ना आप लोकल टूर्नामेंट की, जो वो शो कर रहे थे उस वक्त, उनसे उस होस्ट ने कहा था, सवाल लोग पूछ रहे थे, तो एक सवाल था कि आप क्यों नहीं खेल रहे, आप डोमेस्टिक खेले ना, तो उन्होंने उस वक्त डोमेस्टिक चल रहा था सीजन, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मुझे इस शो के बाद उधर जाना है।
तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिस टाइम आपने अपने आप को इतना सस्ता कर दिया कि खेलने से तैयार नहीं है, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को इतना सस्ता ना करो। फिर ये कि जी ठीक है, उस वो अब अगर उमर अकमल कोई चीज कह रहा है तो आपने अगर पीछे छह लड़कों के साथ किए तो वो कहते मेरे साथ क्यों नहीं करते, मैं भी तो पाकिस्तान पहले खेल चुका हूँ, रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, तो मेरे साथ वो वाला मामला क्यों नहीं करते जो इनके साथ किया है। तो आप है ना अपना कोई जब तक आप सिस्टम नहीं बनाओगे ना, अपनी चीज़ों को वैल्यू नहीं दोगे, अहमियत नहीं दोगे, तो आप आगे नहीं चल सकते। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि हम अपनी जो सा जो फर्स्ट क्लास है ना हमारी जो सा लोकल हमारी क्रिकेट है जी, जब तक आप उसको वैल्यू नहीं दोगे ना तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, आज जो आपका तीसरा मैच आपने खेलना है कनाडा के अगेंस्ट, सलीम भाई हमने वहीं खेलना है जहाँ पे हमने इंडिया के अगेंस्ट खेला है, पिच हमें पता है किस तरह से बिहेव करी है, बट आज जो है वो एक फ्रेश पिच पे मैच होना है, आउटफील्ड तो खैर वही रहेगी बट आपको लगता है कि पिच चेंज होने से कोई आपको फ़र्क लगता है कि पड़ेगा? देखिए वहाँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चूँकि इस पिच पर काफ़ी मैचेज हुए और थोड़ा सा जो फ़र्क नज़र आया कि वो जो बॉल अनइवन उठता था वो उठना बंद हो गया, सिर्फ एक चीज़ आई कि बॉल बल्कि थोड़ा सा पेस उसकी स्लो हो गई है। अगर आप देखें कि बॉल अब तेज़ नहीं निकला, थोड़ा सा फंस के आ रही, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं थोड़ा सा रुक के आ रहा है, तो वो चीज़ हो रही है। वो चीज़ जो कल भी डिस्कस की थी इन जी ने कि इम्प्रोवाइज कोई नहीं कर रहा, अब इन विकटों पर बड़ी हिट तो लगती नहीं, क्योंकि ये जब बॉल थोड़ी सी रुकती है ना तो आपकी टाइमिंग ख़राब होती है, आप मारने उसी पेस में जा रहे हो जो आपने लोकल मैचेस में आप खेलते हो, उस पेस से बॉल आ नहीं रही। आप अगर कल उसका आउट देखें, दो तीन प्लेयर आउट हुए थे इंडिया के भी, जो नॉर्मल ग्राउंड होती ना और नॉर्मल पिच होती तो वो क्राउड में जाके बॉल गिरता, क्योंकि वो बॉल चूँकि उस पेस से आता नहीं तो वो जा नहीं रहा। तो ये चीज़ सोचने वाली है कि इस पिच पर देखें आप टूर्नामेंट से, तो आप मुझे जो लगता है कि हम बाहर हो चुके हैं, तो जो वहाँ लोग लोकल हमारे बाकी प्लेयर्स हैं, अब तो ये प्रैक्टिस ये आपके लिए भी, मैं आपको बताऊँ, हाँ अनलेस के बहुत ही हम कोई 350 कर दें, इन विकटों पे नज़र नहीं आता मुझे तो स्कोर होता हुआ, और अब उन लड़कों को खिलाना चाहिए और अब नेक्स्ट टूर्नामेंट के बारे में सोचना चाहिए और जो काम करने वाले हैं वो करने चाहिए। इस मैच का हमें तो ना आपको इतना कोई ख़ास मेरे ख्याल में इंटरेस्ट है, ना पूरा पाकिस्तान इस मैच को देखना चाह रहा है, क्योंकि जिस तरह हम हारे हुए हैं तकलीफ़ सबको है, हर बंदा यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं उस दिन से लेके आज तक कोई भी बंदा ये मैच देखने को तैयार नहीं है जो हो चुका हुआ है। तो मेरा ख्याल अब नेक्स्ट प्लानिंग जो है जी, उस पर हमें चेयरमैन साहब को काम करना चाहिए और जो चीज़ें वो कह रहे हैं आई होप के वैसे ही हो और उन लोगों को लेके आए जो क्रिकेट से प्यार करते हैं और क्रिकेट के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उन लोगों को फारिग कर देना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ और वो वहाँ उस चीज़ को सर्व कर रहे हैं जो वो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, जो दे ही नहीं सकते पाकिस्तान को वापस। ठीक है, ठीक है इंजी भाई, एक तो मैं जानना चाहूँगी आपके ख्याल में आज हमें कौन से 11 खिलाने चाहिए, क्या आपको लगता है इफ्तिखार के साथ हमें जाना चाहिए आज या किसी और को मौका देना चाहिए? अब इमाद का भी नाम ले लें, उसको लगता है आज होना चाहिए प्लेइंग 11 में या? देखिए जितनी बेंच की स्ट्रेंथ है ना आपको यूटिलाइज करनी चाहिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि जी ठीक है कि हमारे बिल्कुल थोड़े से चांसेस हैं कि जी हम गो थ्रू हो सकते हैं, तो लेकिन हमें ना उसका भी चांस लेना चाहिए, मैं नहीं कहता कि जी उसको छोड़ना चाहिए। आज कोशिश ये करनी चाहिए, कनाडा से मैच है, अमेरिका भी यूएस भी दो मैच हार सकता है, क्योंकि जी कोई एक उसका इंडिया से है और एक उसका आयरलैंड से है मैच है जी, जी, जी। तो वो दोनों हार सकता है मैच, ऐसी नहीं बात, लेकिन मसला सारा ये रन रेट पे आएगा। मैं आज ये तवक्को कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि जी कल क्या होना है, पाकिस्तान ने पहुँचना है या नहीं पहुँचना, मैं आज के दिन का फोकस ये करता हूँ कि जी आज पाकिस्तान को जो बेंच की स्ट्रेंथ है, जिस तरह हम इब्रार को कह रहे थे उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अगर हमारे टॉप ऑर्डर से स्कोर नहीं हो रहे हमें ना, हालांकि उसने भी स्कोर नहीं किया साइम अयूब ने, लेकिन चलो चेंज आप कर सकते हैं, क्योंकि जी उसको आपने 3-4 मैचों का रेस्ट दिया तो उसके बाद शायद वो आके बेहतर करे। और अगर हम साइम को खिलाते हैं तो आपको लगता है फिर साइम के साथ ओपन करना चाहिए? जी ओपन ही करेगा वो, फिर नीचे नहीं जाएगा, वन डाउन आए, 3 पे आ जाए खेल ले। तो लेकिन ये कि मैं आज ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को
आज कनाडा से बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए ताकि हमारा रन रेट बेहतर हो। ये ना कि जी हम दो मैच जीत भी जाए और ऐसे जीते कि जी जिसका हमें रन रेट ही हमारा फ़ायदा ना हो, क्योंकि जी किसी चीज़ का उससे आप बड़े स्कोर करने के लिए जाए बेशक इससे भी हार जाए, इस टाइम हमारे लिए या तो बड़ी जीत फायदेमंद हो सकती है वरना हार भी हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है कि हार से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ी जीत हमें मैटर कर सकती है। एक जहाँ भी हमें बड़ा जीतना पड़ेगा और आयरलैंड के खिलाफ भी हमें मार्जिन से जीतना पड़ेगा, एटलीस्ट अगर रन रेट पे बात आती है सो हम कहीं स्टैंड तो करते हो। अच्छा, वैसे अजहर महमूद ने जो मीडिया से बात किया उनका यही कहना था कि हम जो हमारे थोड़े से भी चांसेस हैं हम उसको भी कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे, चाहिए दिमाग में करने चाहिए। देखिए उसमें और तो चॉइस आपके पास है कोई नहीं, अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहा है तो ये तो करना पड़ेगा ना, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप तो बाहर तो हैं वैसे भी। अच्छा सलीम भाई, आप बॉलिंग कुछ चेंज करना चाहेंगे? आपके पास इंजी ने तो कहा जो बेंच स्ट्रेंथ है वो सारी खेलनी चाहिए, सबको खिलाना चाहिए। अब्बास अफरीदी उसका भी कसूर है, उसको भी ट्राई करें, आप सबको खिलाना चाहिए। देखें ना, जब आपके पास अब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर आप अगर अभी भी उन लड़कों को नहीं चांस देंगे तो फिर कब देंगे? तो ये आपको सबको चांस देना चाहिए। देखें, मैं एक चीज़ पहले भी कहा था कि हमारे चांसेस क्यों कम हैं, इंजी चूँकि उस बात को थोड़ा छुपा जाता है इंजी के पॉजिटिव हमें होना पॉजिटिव ही चाहिए, देखें ना जीत, मगर मुझे जो डर है ना रन रेट पे, जो मैं उस दिन भी मैंने बात की थी इंजी कि इंडिया का आखिरी मैच है यूएसए के साथ और इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान क्वालिफाई करे इस पोजीशन से आके वापस, क्योंकि उसको डर तो होता है ना, पाकिस्तान से हारने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है उधर भी और इधर भी। तो वो इंडिया रन रेट के लिए हमें अगर ज़रूरत पे आएगी ना जब, तो वो नहीं होएगा मुझे जो नज़र आता है, जिस वजह से मैं कहता हूँ कि हमारा चांसेस बहुत कम है। सही है, चलो ये सलीम भी ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जी मजबूत टीम को कोई भी नहीं चाहता कि जी वो आगे आए कि जी और जहाँ अगर हो, लेकिन मसला सारा ये कि हम दूसरों की नहीं बात कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, जो हम बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए। फिर ठीक है कि जी अगर नहीं पहुंचते तो अभी भी तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे ना जी, तो मेरा ख्याल है कि अगर जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। हालांकि उनको चाहिए कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करे, जो हमारी सिचुएशन चल रही है जितना हम बुरा इस टूर्नामेंट पिछले कई टूर्नामेंट से खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल सबसे वीक टीम हमारी लग रही है इस वक्त, जो हम यूएस से भी हारे तो इनको तो चाहिए कि पाकिस्तान टीम को क्वालिफाई करवाए। अच्छा इंजी भाई, एक चीज़ जो होती है वो जीत जो है ना वो आपकी सारी पीछे वाली बुराइयाँ छुपा देती है, और हमारी आवाम तो इतनी जज्बाती है कि वो जब जीतते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं कि अच्छा ये खराबियाँ थी। तो एक तरह से तो जीत तो जाहिर है, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करे जीते, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं ना फिर उनको सही करने का अमल जो है ना वो नहीं रुकना चाहिए। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम चीज़ें सही करने की कोशिश करेंगे, बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि जीत का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही है। देखो एक चीज़ है जो हम बैटिंग में कहा करते थे जी, कि वो ये जिस टाइम आप आउट ऑफ फॉर्म होते हो ना, आउट ऑफ फॉर्म जाके जिस टाइम आप मेहनत करते हो ना तो जो आपकी क्लास होती है ना आप उस क्लास पे वापसी आ जाते हो, लेकिन जिस टाइम आप फॉर्म में होते हो ना तो और मेहनत करते हो तो आपकी क्लास है ना एक स्टेप ऊपर चली जाती है। अगर आप अच्छा करके भी अपनी वीकनेस पे नज़र रखेंगे ना, हम एज ए टीम है ना ऊपर चले जाएंगे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ क्योंकि जी ये जो अब डिनर की जिस तरह बात हुई थी या गैरी कर्सन का एक बयान आया था कि जी अब ये नहीं होगा, मैंने कहा कि ये वाली बात एक दिन पहले कहाँ थी? हाँ जी, एक दिन के बाद ये वाली चीज़ क्यों याद आई? अगर हारने के बाद सबक लेना ना तो ये कोई इतना फायदा नहीं है। उससे पहले आप डिसाइड करोगे कि जी आपके टीम के रूल्स क्या हैं, क्योंकि जी टीम ने क्या करना है। सो अभी जो चीज़ आपको खामी दिख रही है, मेरी तो ये ख्वाहिश है, मेरी नहीं ख्वाहिश, पाकिस्तान के हर आदमी की ख्वाहिश होगी, ठीक है पाकिस्तान बुरा खेल रहा है, लोगों के दिल दुखे हैं, लेकिन हम तो डूबने वाले ना, तिनके का सारा भी है, हम तो एक एक पॉइंट भी निकाल रहे हैं कि यार पाकिस्तान सुपर एट में ही पहुंच जाए। हाँ जी, बेशक हमने यहाँ बैठ के प्लेयरों की बुराइयां ही की हो, उसके बावजूद भी हमारा दिल लगे सुपर एट में पहुंच जाए, ठीक है ना? नहीं, तो इंजी भाई बुराइयां हमने
उनकी परफॉर्मेंस की जरूर की है, पर दिल से तो हम यही चाहते हैं कि ये लोग अच्छा करें, हम इनकी अच्छाइयां करें, बुराइयां तो करना चाहते ही नहीं हम। दिल से की हैं वो, इसलिए दिल से किए कि ताकि ये इंप्रूव कर दे। बुरा खेला है। तो हमारी वो जो क्रिटिसाइज भी हम कर रहे हैं, हम उनकी बेहतरी ही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि वो गिर जाएं, और हम तो चाहते हैं वो अच्छा करें, और हम हमें मौका ही ना मिले कि हम उनकी बुराई करें। देखिए, जब आप बुरा करेंगे तो अगर आप उसको भी छुपाएंगे, ये छुपाने का नतीजा है कि आज हम यहाँ खड़े हैं, कि आप पेड़ लोगों को साथ लेके जाते हैं जो हर वक्त सेल्फियाँ इनकी लगाते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव दिखानी चाहिए, मगर आप कुछ करके भी तो दिखाएं ना। अगर आप कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे तो हम वो अच्छा अच्छा बताते रहेंगे तो फिर वो बुरा कौन बताएगा? जो बुरी चीज़ है वो हम छुपा नहीं रहे, हम वो बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ खराबियाँ हुई हैं। तो अगर उन खराबियों को हम बता रहे हैं तो अगर कोई इसको समझता है, मेरे ख्याल सवाए हमारे प्लेयर्स के अलावा कोई इसको बुरा नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस चीज़ पर सवाल उठा रहा है। तो मेरा ख्याल बुराइयाँ, इन जी ने जो बात की उन्हें सच्ची बातें की हैं, झूठ कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, तो देखो असल में आप जिस टाइम क्रिटिसाइज़ करते हैं ना जी, क्रिटिसाइज़ का हमने ना ये इस वर्ड को हम गलत लेना शुरू हो गए। अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो ना सो वो इंसान के लिए भी टीम के लिए भी ना बहुत बेहतर होता है। एक होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म बुरा होता है। हमने कोशिश ये की है कि हम उस चीज़ पे बात करें जिससे टीम की ना बेहतरी हो सके, कि आगे जाके थोड़ा सा बेहतर हो सके। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी हमें यहाँ बैठ के ऐसी बात करनी चाहिए कि जी अगर प्लेयर भी सुने ना तो उसको फ़ायदा हो। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि प्लेयर देख के हमारा चैनल ही चेंज कर दे, और ये होता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि लोग छोड़ो यार ये फजूल बात करता है, ठीक है ना। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे ये जो हम पुराने प्लेयर हैं ना, यहाँ बैठ के जो हम अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि इससे हमारी टीम को, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा हो। तो हमें भी अपना ओपिनियन ऐसा देना चाहिए जिससे हमारे उसको फ़ायदा हो रहा हो। तो उसमें बास टाइम में ना क्रिटिसिज्म भी होता है, यानी कि सारे टाइम सब कुछ अच्छा 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 है, क्रिटिसिज्म भी करते हैं। तो वो भी इसलिए क्योंकि जी हमारी क्रिकेट भी बेहतर हो सके, हमारी टीम के लड़कों की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सके। ठीक है जी, अब सिनेरियोज हमारे पास क्लियर आ गए हैं। वो ऐसा है कि टॉस भी हो चुका है, टॉस का बता देती हूँ पहले। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया और फील्डिंग कर रहे हैं क्रिकेट टीम पाकिस्तान, और सिनेरियो ये है पाकिस्तान का सुपर एट के लिए क्वालिफाई करने का कि यूएसए जो है वो अपने दोनों मैचेस हारे और जो मार्जिन है वो 18 का होना चाहिए, और पाकिस्तान जो है वो अपने दोनों मैचेस जीते और दोनों मैचेस में 10 रन का मार्जिन होना चाहिए जीत का। लग तो आसान रहा है, बट अल्लाह जो है बेहतर करने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में रात 11:03 पर। अल्लाह हाफिज़।